दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो आपके राशन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र वालों के लिए है ये वीडियो जो महाराष्ट्र में राशन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम वेबसाइट पर आते हैं। ये देखिए, मेरे डेस्कटॉप पे वेबसाइट की लिंक पड़ी है, AEPDS, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है। ये होम पेज पर आने के बाद थर्ड ऑप्शन खुलता है, RC डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें SRC नंबर मांगा जाता है। यहाँ SRC नंबर टाइप करना है और SRC नंबर जो है वो राशन कार्ड के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। और ज़्यादातर महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोगों को SRC नंबर मिल चुका है, वो अपने SRC नंबर को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, इससे पता चलता है कि इस राशन कार्ड में कितने व्यक्तियों के नाम है। ये देखिए, 7 व्यक्तियों के नाम है, उनके नाम बता रहे हैं और जेंडर, एज और सीडेड नॉट सीडेड। ये ख़ास है, क्या इसमें 7 व्यक्तियों में से 2 लोगों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक हो चुका है और बाकी लोगों के अभी लिंक होना बाकी है। ये नॉट सीडेड जो है वो लिंक नहीं हो पाए है। ये देखिए, ये दूसरा नंबर ये लिंक है, ये तीसरा नंबर लिंक है, ये नॉट सीडेड यानी कि लिंक नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग जो अभी तक अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए, ऐसे लोगों का नॉट सीडेड जो है ये आने वाले कल में ये नाम डिलीट कर दिए जाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अपना राशन ऑफिस में जाएं और अपने राशन कार्ड को चेक करें। जो राशन कार्ड नॉट सीडेड बता रहे हैं, जो राशन कार्ड नॉट सीडेड बता रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के चाहिए कि वो अपना राशन कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर राशन अपने शहर के राशन ऑफिस से संपर्क करें। वहाँ राशन कार्ड की कॉपी जमा करके राशन दुकान पर बायोमेट्रिक डिवाइस जो होता है, जब आप अनाज लेने जाते हो राशन दुकान से, तो बायोमेट्रिक डिवाइस पे आपको थंब रखना होता है। तो वहाँ थंब रख के आप सीडेट करा सकते हो। अगर आपने सीडेट नहीं किया तो आने वाले कल में आपके नाम डिलीट किए जाएंगे और जो सीडेट नहीं होंगे वो नाम आने वाले कल में उड़ा दिए जाएंगे और वो मशीन में भी 00 करके बताता है। तो एक और SRC नंबर सर्च कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ सबमिट करना है SRC नंबर डालने के बाद। ये एक और राशन कार्ड खुल गया। इस राशन कार्ड में 5 व्यक्तियों के नाम है, जिसमें से ये देखिए 4 सीडेड है और एक नॉट सीडेड है। यानी इस व्यक्ति का जो है मशीन में नाम आएगा लेकिन मशीन के आगे आधार नंबर लिख कर नहीं आएगा। मशीन यानी कि राशन दुकान में जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वही मशीन है, उसमें बायोमेट्रिक डिवाइस पे आपका नाम लिख कर तो आएगा लेकिन उसके आगे 0 आएगा, 00 लिख कर आएगा, यानी कि आधार नंबर आपका वहाँ शो नहीं करेगा। इसका मतलब आपका आधार लिंक नहीं हुआ है। आप जितना जल्दी हो सकता है आधार कार्ड अपना राशन कार्ड से जोड़े और बायोमेट्रिक डिवाइस पे राशन दुकान पर जो है वहाँ पे जाके आधार कार्ड को देकर अपना थंब रख के अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करें। ऐसा ना करने पे आने वाले दिनों में आपका राशन, आपका जो है नाम राशन कार्ड में से डिलीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अपने अपने राशन कार्ड को चेक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।